नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम मेथी आलू के पराठे बनाएंगे। मेथी को आटे में डालकर आटा लगाएंगे और आलू के स्टफिंग बनाकर पराठों में भरकर पराठे बनाएंगे। मेथी और आलू दोनों मिलकर बहुत अच्छा स्वाद देते हैं, बहुत ही टेस्टी पराठे बनेंगे। तो आइए मेथी आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। मेथी आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। हमने प्याले में 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। ये हमने 2 कप बारीक कटी हुई मेथी ले ली है। हमने मेथी की मोटी डंडियां हटा दी और पत्तियों को अच्छे से धोकर छलनी में रख लिया, पानी सूखने तक सुखाया, इसके बाद बारीक काट कर ले लिया। मेथी को आटे में डाल देंगे और 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। 2 चम्मच तेल डालेंगे। सारी चीज़ों को मिला देंगे और पराठे के लिए सॉफ्ट आटा गूंथकर तैयार करेंगे। जैसे नॉर्मली हम पराठों के लिए आटा गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का आटा गूंथेंगे। ये हमने पराठे के लिए सॉफ्ट आटा गूंथकर तैयार कर लिया है और इतना आटा गूंथने में 1 कप में से 1 टेबलस्पून पानी बचा है। आटे को हम ढककर 20-25 मिनट के लिए रख देंगे। आटा सॉफ्ट हो जाएगा, इसके बाद पराठे बनाएंगे। और जब तक हमारा आटा सॉफ्ट होता है, तब तक हम आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए हमने ये 4 उबले हुए आलू लिए हैं। इन्हें हम छील कर बारीक तोड़ लेंगे। तो चाकू की हेल्प से हम इन्हें छील लेते हैं। ये आलूओं को हम बारीक तोड़ लेंगे। ये आलू हमने तोड़ लिए। अब हम इनमें मसाले मिलाएंगे। 3/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और ये हमने 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके ले लिया है। 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला और 2-3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ धनिया। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलने तक मिलाएंगे। सारे मसाले आलू में अच्छे तरीके से मिल गए हैं। स्टफिंग बनकर तैयार हो गई। 20 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी सॉफ्ट होकर तैयार हो गया है। हाथ पर हम थोड़ा सा तेल लेंगे, हाथ को चिकना करेंगे और आटे को थोड़ा सा मसल कर और सॉफ्ट कर लेंगे। पराठे बनाने के लिए आटा तैयार हो गया। तो हम आटे में से थोड़ा सा आटा तोड़ेंगे और उसको मसल कर गोल लोई बनाएंगे। पराठे हम अपनी पसंद के अनुसार थोड़े से बड़े या थोड़े से छोटे बना सकते हैं। इसको हम चपटा करेंगे गोल करके और सूखे आटे में लपेटेंगे। आटे को ढककर रख लेते हैं ताकि सूखे ना। इसको हम 3-4 इंच के व्यास में बेलेंगे। अब हम इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे आलू की। तो स्टफिंग भी थोड़ी सी कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये हम 2 चम्मच भर के स्टफिंग इसके ऊपर रख लेते हैं और आटे को चारों तरफ से उठाकर स्टफिंग को बंद करेंगे। और अब हम उंगलियों से इसे दबाएंगे ताकि स्टफिंग पराठे के अंदर एक जैसी फैल जाए। और अब हम इसे उठाकर सूखे आटे में लपेटेंगे और एक्स्ट्रा आटा इस तरीके से झड़ा देंगे। और अब हम थोड़ा सा दबाकर पराठे को हल्का दबाव देते हुए 6-7 इंच के व्यास में थोड़ा मोटा बेलकर तैयार करेंगे। स्टफ पराठे थोड़े से मोटे रखे जाते हैं। और पराठे को किनारे से दबाव देते हुए बेलेंगे। अगर पराठा चकले से चिपकने लगे तो थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर डालकर फैला लेंगे और पराठे को बेलेंगे। ये पराठा हमने बेलकर तैयार कर लिया। अब हम इसे सेकेंगे। तो तवा हमने पहले से गर्म करने रख दिया था। तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर चारों ओर फैलाएंगे। पराठे को सेकने के लिए तवे पर डालेंगे
और नीचे से हल्का सा पराठे को सेकेंगे, फिर हम इसे पलट देंगे। और जब तक हमारा ये पराठा सिकता है तब तक हम दूसरा पराठा इसी तरीके से बेल कर तैयार करेंगे। पराठा ऊपर की तरफ से हल्का सा डार्क हो गया है, नीचे से सिक गया है, हम इसे पलट देते हैं और पराठे को दूसरी ओर हल्की चित्ती आने तक सिकने देंगे। पराठा पीछे की ओर से सिक गया है, हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और चारों ओर फैलाएंगे और पराठे को पलट देंगे। दूसरी ओर भी हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और चारों ओर एक जैसा फैलाएंगे। पराठे को हल्का सा दबाव देते हुए दोनों ओर अच्छी गोल्डन चित्ती आने तक सेकेंगे। आग मीडियम रखेंगे ताकि हमारा पराठा अच्छा क्रिस्पी बनकर तैयार हो। पराठे पर दोनों ओर अच्छी गोल्डन चित्तियां आ गई हैं, पराठा सिककर तैयार है। पराठे को उतार कर प्लेट पर रखी हुई प्याली पर रख लेंगे या फिर खाने वाले की थाली में डायरेक्ट परोसेंगे। अगर पराठा तवे से उतरकर खाने वाले की थाली में डायरेक्ट परोसा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। सारे पराठे हम इसी तरीके से सेक कर तैयार करेंगे। ये पराठे हमने सेक कर तैयार कर लिए और इतने आटे से 6 पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। पराठे हमने प्याली के ऊपर रखे थे क्योंकि डायरेक्ट गर्मा गर्म पराठा अगर प्लेट के ऊपर रख दे तो वो सौगी हो जाता है, और प्याली के ऊपर रखेंगे पराठा तो नीचे से हवा लगती रहती है और पराठा क्रिस्पी बना रहता है। ठंडा होने के बाद पराठे को हम प्लेट में रख देंगे। मेथी आलू के क्रिस्पी बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनकर तैयार हैं और इन्हें बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आटे को थोड़ा सॉफ्ट लगाकर तैयार करें और स्टफिंग भरते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा स्टफिंग ना भरें और उसे अच्छे तरीके से आटे के अंदर बंद करें। उंगलियों से दबाकर स्टफिंग को चारों तरफ फैलाएं। पराठे को हल्के हाथ से बेलें, थोड़ा सा मोटा ही रखें और बहुत अच्छा पराठा बेलकर तैयार करेंगे। और बिल्कुल उसी तरीके से सेकना है जैसे कि आप बाकी नॉर्मल पराठे सेकते हैं। मेथी आलू के पराठे को कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी, हरे धनिए की चटनी, दही, रायता या अपनी किसी भी मनपसंद सब्जी के साथ में परोस सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये पराठे बनाकर आप बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं, अपने टिफ़िन में ले जाइए, बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप ये पराठे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।